जो लास्ट पर लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड बेस साल्ट्स, और इसी के अंतर्गत एसिड के करेक्टर, बेस के करेक्टर्स, और इसके पश्चात सॉल्ट कैसे बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, पीएच स्केल, और इसके बाद इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, पढ़ा था। और इसी के पश्चात लास्ट टर्म पर हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली, बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। बेस क्या होता है, एल्कली क्या होता है। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ एसिड स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, ऐसे बेस होते हैं। तो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, वीक एसिड वीक बेस क्या होता है। तो स्ट्रांग और वीक एसिड या बेस का मतलब इसके कंसंट्रेशन या सांद्रता से नहीं होता है। कंसंट्रेशन या सांद्रता, कंसंट्रेशन मतलब उसका गाढ़ापन, उसका परसेंटेज। तो स्ट्रांग और वीक का मतलब कंसंट्रेशन या सांद्रता से नहीं होता है, ठीक है ना। गाढ़ सांद्रता का मतलब, कंसंट्रेशन का मतलब उसका गाढ़ापन, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो स्ट्रांग और वीक का मतलब होता है आयनाइजेशन, पावर ऑफ आयनाइजेशन। स्ट्रांग एसिड का मतलब होता है उसमें पावर ऑफ आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा है। स्ट्रांग एसिड का मतलब होता है कि कोई भी एसिड आयनाइज हो जाता है और बहुत अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है ना। स्ट्रांग एसिड क्या होगा, स्ट्रांग एसिड उन एसिड को कहते हैं जो कि आयनाइज होकर के, पानी में आयनाइज होकर के, आयनीकृत होकर के बहुत अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन दे, पूरा का पूरा आयनाइज हो जाए, तो वो कहलाएगा स्ट्रांग एसिड, ठीक है ना। इसी तरह से बेस जो आयनाइज होकर के बहुत अधिक संख्या में OH- माइनस आयन दे, तो वो स्ट्रांग बेस है। तो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का मतलब पावर ऑफ आयनाइजेशन, जो कि पूरा पूरा आयनाइज हो जाता है और बहुत लार्ज अमाउंट में आयन दे। एसिड है तो H+ आयन बहुत अधिक संख्या में दे, स्ट्रांग बेस है तो बहुत अधिक संख्या में OH- आयन दे। तो जो बहुत अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं वो स्ट्रांग एसिड है, पूरी तरह आयनाइज हो जाते हैं, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। और जो स्ट्रांग बेस होते हैं वो पूरी तरह आयनाइज होकर के OH- आयन देते हैं, बहुत अधिक संख्या में देते हैं। तो ये स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस। और उसी तरह से वीक एसिड वीक बेस क्या होते हैं, वीक एसिड वीक बेस मतलब कि ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते। ये आयनाइज तो होते हैं लेकिन पार्शली, मतलब कुछ आयनाइजेशन हो जाता है इनका और कुछ नहीं होता है। तो पार्शली आयनाइजेशन की प्रक्रिया इनमें होती है, ठीक है ना। तो जो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, वीक एसिड जो बहुत ही कम, पूरी तरह आयनाइज नहीं होते, कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, बहुत ही कम संख्या में H+ आयन देते हैं, तो वो वीक एसिड है। और वीक बेस जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते और बहुत ही कम संख्या में OH- आयन देते हैं, तो उनको हम कहते हैं वीक बेस। तो स्ट्रांग बेस और वीक बेस क्या होते हैं। इसी के पश्चात अब देखते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और
और बहुत ही लार्ज अमाउंट में एच प्लस आयन देते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं और बहुत अधिक संख्या में एच प्लस आयन देते हैं। और उसी तरह से वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड जैसे कि CH3COOH, ये क्या है वीक एसिड, ये पूरी तरह आयनाइज नहीं होते, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते और आयनाइज थोड़ा होते हैं और बहुत ही कम संख्या में H प्लस आयन देते हैं, तो ये वीक एसिड होते हैं। अब इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और OH एंड बहुत अधिक संख्या में देते हैं, जैसे KOH, NaOH, KOH और NaOH के हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और बहुत अधिक संख्या में OH माइनस आयन देते हैं, तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। और इसी तरीके से वीक बेस होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है वीक बेस है ना, तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं और आयनाइज थोड़ा होते हैं और बहुत ही कम संख्या में ये OH माइनस आयन देते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस क्या देते हैं एच प्लस आयन, और वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस क्या देते हैं OH माइनस आयन, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग है एसिड है तो बहुत अधिक संख्या में एच प्लस आयन होंगे और कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। वीक एसिड क्या होंगे, ये पूरी तरह आयनाइज नहीं होंगे और आयनाइज होंगे तो बहुत ही कम संख्या में H प्लस आयन देंगे। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे और आयनाइज होने पर बहुत अधिक संख्या में OH माइनस आयन देंगे। और वीक बेस क्या होंगे, जो बहुत ही कम मात्रा में आयनाइज होंगे और आयनाइज होने पर OH माइनस आयन बहुत ही कम संख्या में देंगे। तो इस प्रकार से ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और इसी के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस के बाद एक और चीज इसमें पढ़ते हैं, क्या एक होता है एक्वा रेशिया, एक्वा रेशिया, ये एक्वा रेशिया क्या होता है, एक्वा रेशिया जो होता है वो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। एक्वा रेशिया क्या होता है, HCl और HNO3 का मिक्सचर को हम एक्वा रेशिया कहते हैं। एक्वा रेशिया ये अम्लों का राजा होता है, अम्लराज से हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में अम्लराज कहते हैं, इंग्लिश में एक्वा रेशिया कहते हैं। एक्वा रेशिया क्या है, अम्लों का राजा होता है, मतलब कि जितने भी मेटल्स होते हैं धातु, वैसे एसिड में सब कुछ गल जाता है लेकिन कुछ मेटल वगैरह जैसे सोना चांदी ये नहीं गलते, लेकिन अम्लराज जो होता है इसमें अगर कोई मेटल डाल देंगे तो वो गल जाता है। तो ये सभी को अम्लराज जो होता है एक्वा रेशिया, इसमें सभी को गलाने की क्षमता होती है, इसीलिए इसको अम्लों का राजा किंग ऑफ एसिड कहते हैं, या एक्वा रेशिया जो HCl और HNO3 को मिला करके बनाया जाता है। 3:1 रेशियो में HCl और HNO3 के
मिश्रण को ही बोलते हैं एक्वारेजिया। तो इसमें एक्वारेजिया क्या होता है वो मैंने कहा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा इसमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग वीक बेस क्या होते हैं और एक्वारेजिया क्या होता है। तो एक्वारेजिया इसमें क्या होता है और एक्वारेजिया एससीएल और एचएनओसी मिश्रण कहते हैं और इसमें क्या होता है। एक्वारेजिया में सभी को गलाने की, सभी मेटल्स को गलाने की क्षमता होती है। तो इसको अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करेंगे, फिर पूछेंगे और नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।